जेवीएम में मेन को कॉल करने का लॉजिक लिखा गया है, ठीक है। तो अगर ये मेन मेथड स्टैटिक नहीं होता, नॉन स्टैटिक होता, तो हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट किसको बनाना पड़ता? जेवीएम को। और जेवीएम को हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना एक हैक्टिक होता उसके लिए, है ना। अगर ऑब्जेक्ट बनाता तो मेमोरी वेस्टेज होती, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो मेमोरी लेता ही है ना। तुम्हारे प्रोग्राम में 400 क्लासेस हैं और 400 में मेन मेथड है, तो 400 ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना उसे। और जितने बार क्लास बनाओगे उतने बार वो आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा। मतलब आपने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया नहीं बनाया, जेवीएम ने एक ऑब्जेक्ट बना ही लिया पहले से ही। तो अब जब रियल टाइम पे एप्लीकेशन चलती हैं तो वहाँ ऑब्जेक्ट का बहुत वैल्यू होता है, मेमोरी का बहुत वैल्यू होता है। छोटे एप्लीकेशन में तो चल जाता है, बट बड़ी लार्ज एप्लीकेशन में अगर अननेसेसरली ऑब्जेक्ट बहुत सारे बन गए तो मेमोरी वेस्ट हो जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि हो सकता हो कि हमारे पास मेमोरी ना बचे, फिर दिक्कत है ना। और ऑब्जेक्ट बनाने का लॉजिक जेवीएम में लिखना पड़ेगा ना, तो जेवीएम को हमारी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत ना पड़े, वो डायरेक्टली क्लास के नेम से या कैसे भी करके वो भाई क्लास के नेम से ही कॉल करेगा अगर क्लास के बाहर कॉल करना है तो। तो जब हम प्रोग्राम चलाते हैं, जैसे ही हमारी सीएमडी है, सीएमडी में हम पहले लिखते हैं जावा सी और हाँ ये जावा कंपाइलर चलता है, जावा सी डॉट जावा, ठीक है, ये कंपाइलर हो गया। लेकिन जब रन करते हैं तो लिखते हैं जावा और क्लास का नाम। तो ये जो जावा है यही तो जेवीएम को इन्वोक करता है, ये जो जावा नाम का टूल है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इन्वोक द जेवीएम। और ये टेस्ट क्यों लिखते हैं? अपनी क्लास का नाम, यानी कि जेवीएम को हम अपनी क्लास का नाम देते हैं, बताते हैं कि इस क्लास को तुम चलाओ, तो हमारे क्लास के नेम से वो हमारे मेन को कॉल कर लेता है। तो कौन कॉल करता है जेवीएम को? अरे मेन को, सॉरी, जेवीएम कॉल करता है। अगर मेन मेथड को स्टैटिक ना बनाते तो जेवीएम को हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बना, जेवीएम जब उसे कॉल करता है तो हमारी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट बनाना एक मेमोरी वेस्टेज होता, अननेसेसरी एक टास्क होता, इसीलिए उसको रोकने के लिए इसे स्टैटिक बना दिया गया। इसमें एक एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत पहले बताया था भाई, लास्ट टाइम पे बताया था आपको। मेन मेथड पब्लिक क्यों है? ताकि इसे जेवीएम या इसको क्लास के बाहर, पैकेज के बाहर कहीं पे भी कॉल करा जा सके। वैसे पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट एक अलग से क्लास हम पढ़ेंगे, उसमें आपको इसके बारे में बताया जाएगा। बट अगर आपसे पूछा जाए मेन मेथड पब्लिक क्यों है, स्टैटिक क्यों है, वाइड क्यों है, ठीक है, इसका नाम मेन ही क्यों है, इसमें स्ट्रिंग टाइप का एरे क्यों जाता है, हर चीज़ का एक मतलब है यहाँ। तो फिर से मैं बता देता हूँ, मेन मेथड पब्लिक इसलिए है ताकि इसको प्रोग्राम के बाहर कहीं पे भी, पैकेज के बाहर कहीं पे भी कॉल करा जा सके। और जेवीएम पैकेज के बाहर ही होगा, कहीं ना कहीं दूसरे पैकेज में होगा, इस पैकेज में तो होगा नहीं, इस प्रोग्राम में तो होगा नहीं। आप इसका आंसर यही देंगे, आप पैकेज जब पढ़ेंगे तो आपको तो क्लियर होगा। इस स्टैटिक का भी रीजन आपको बताया ही, ताकि जेवीएम इसे क्लास के बाहर, क्योंकि जेवीएम इसे कॉल करता है, तो जो भी इसको कॉल करता है उसको इसकी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ना पड़े। हाँ जी, और ये ना होता फिर वो भी होता, मेमोरी वेस्टेज होता। हाँ, वाइड क्यों है? ताकि इसका कोई रिटर्न टाइप ना हो। देखो, नो डाउट, वाइड मतलब नो रिटर्न, ठीक है, हाँ, खाली ब्लैंक। अगर मेन मेथड का रिटर्न टाइप कुछ लगा भी देते ये, तो रिटर्न वैल्यू जेवीएम को जाती, क्योंकि जेवीएम से कॉल कर रहा है, तो उस रिटर्न वैल्यू का जेवीएम करता क्या? उसके लिए कुछ यूज नहीं था, तो वो चाहते थे कोई रिटर्न वैल्यू ना करे, इसलिए तो वाइड बनाया, ठीक है। और सी सी प्लस प्लस में पहले से मेन चला आ रहा था, इसलिए जावा में भी ये पहले से था, एक ट्रेडिशन था, कन्वेंशन था कि मेन एंट्री पॉइंट प्रोग्राम का है, इसलिए इसका नाम मेन है। जहाँ मेन है, जब एम ए आई एन जो मेन है, इट इज़ नॉट अ कीवर्ड, इट जस्ट आइडेंटिफायर, ठीक है। बाकी इसमें स्ट्रिंग टाइप का एरे क्यों जाता है? ये स्ट्रिंग टाइप का एरे इसलिए जाता है ताकि कमांड लाइन से रन टाइप पे आप वैल्यू पास कर सको, जो भी मैं आपको समझाने जा रहा था। सर, स्ट्रिंग होती है, कोई और नहीं होता? नहीं, स्ट्रिंग ही हो सकता है। अब क्वेश्चन ये भी है, ये भी क्वेश्चन है कि भाई सर, स्ट्रिंग टाइप का ही एरे क्यों दिया, इंटीजर टाइप का एरे क्यों नहीं दिया, फ्लोट टाइप का एरे क्यों नहीं दिया? ये भी तो क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो मैं आपको इसका आंसर बताऊं कि देखिए, कमांड लाइन से जब भी आप प्रोग्राम चलाओ, जैसे ये प्रोग्राम है, ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ, टेस्ट सेव नहीं किया था क्या, ये टेस्ट डॉट जावा, ठीक है, मान लीजिए प्रोग्राम सेव हो, ठीक। अभी मैं यहाँ से इसको उसी लोकेशन पे जाता हूँ जहाँ पे हमारा प्रोग्राम था, यहीं से सी एम डी ऑन, ठीक है, सी एम डी ऑन हो गया।
अब मैं जावा सी टेस्ट डॉट जावा करके प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया, ठीक है, प्रोग्राम कंपाइल हो गया, बाइट कोड बन चुका होगा। अब जावा करके प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, मान लीजिए कमांड लाइन से मैंने वैल्यू दे दिया 12, फिर दे दिया 34। अब मैं इसका सम चाहता हूँ, तो जीरो पोजीशन पे क्या चला गया 12, और 34 किस पोजीशन पे चला गया 1 पोजीशन। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ए बी सी डी, तो ए बी सी डी में ही वो इसी एरे में ही वो डेटा जाके स्टोर होता है। अगर आप यहाँ पे लिख दोगे बिल्कुल नाम है, ये नाम है, ये एरे का नाम ए आर जी एस भी हो सकता है ना, केवल ए भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप ए जीरो लिखोगे तो ए जीरो में क्या जाएगा, 12, बिल्कुल जो कमांड लाइन साहब ने 12 लिया है, ठीक है। इसको इसको किस में होल्ड करोगे, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है तो स्ट्रिंग में होल्ड करोगे। इसी तरह से ए वन में क्या आएगा, क्या आएगा 34, तो 34 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। स्टोर करना पड़ेगा पहले, स्टोर करो ना करो भाई, देखो कोई भी वैल्यूज कहीं पे रिटर्न होके आ रही है तो उसको स्टोर करना चाहिए ना, नहीं करोगे तो आपकी मर्जी, ना करो आप लिख दो ए जीरो प्लस ए वन, तभी तो आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया एफ प्लस एस वन, तो यहाँ पे देखो दो नंबर का सम का प्रोग्राम बन के आ जाएगा। ये भी फिर से मुझे कंपाइल करना पड़ेगा और फिर रन करना पड़ेगा, रन करने के लिए लिखना पड़ेगा जावा टेस्ट और ये ठीक आ गया ना। तो ये जुड़ा नहीं, ये कॉन्कैटिनेट हो गया, ठीक है, क्योंकि कमांड लाइन से ये स्ट्रिंग था ना, ये न्यूमेरिक स्ट्रिंग था, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये था कि कमांड लाइन से ये स्ट्रिंग टाइप का ही एरे क्यों लेता है, इंटीजर क्यों नहीं, फ्लोट क्यों नहीं, बुलियन क्यों नहीं। तो इसका आंसर ये है कि देखिए, अगर जावा के क्रिएटर ने कमांड लाइन से रन टाइम पे आने वाली वैल्यूज को केवल इंटीजर बना देते है ना, इंटीजर कर देते, तो ये तो फिक्स हो जाता है ना कि यूजर केवल इंटीजर ही ले सकता है। अगर वो फ्लोट बना देते, मतलब इस एरे को स्ट्रिंग ना बना के वो इंट बना देते, मान लो इंट टाइप का एरे जाएगा, तो इसका मतलब यूजर केवल इंट टाइप का ही वैल्यू ले सकता है कमांड लाइन से। अगर स्ट्रिंग बनाते, अरे बुलियन बना देते तो बुलियन टाइप का ही ले सकता था। अच्छा, स्ट्रिंग बनाने से क्या फ़ायदा हुआ, स्ट्रिंग बनाने से फ़ायदा ये हुआ कि अब इस वैल्यूज़ को चाहे आप इंटीजर वैल्यू कमांड लाइन से लो, चाहे आप डबल वैल्यू कमांड लाइन से लो, इवन डबल वैल्यू भी ले सकते हो, ठीक है, इवन आप कमांड लाइन से करेक्टर भी ले सकते हो, चाहे आप स्ट्रिंग ही ले सकते हो, प्योर स्ट्रिंग ले सकते हो, हेलो आए। तो ये जो भी वैल्यूज कमांड लाइन से जा रही है, ये सब सबके सब स्ट्रिंग लेना लेने से क्या फायदा हुआ कि इस वैल्यूज पे फर्दर आप कन्वर्जन कर सकते हो, इसको कन्वर्ट कर सकते हो अकॉर्डिंगली भाई। जैसे सपोज करो यहाँ पे आपका नंबर ये किस टाइप का है, इंटीजर है, न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, यहाँ पे डबल टाइप की वैल्यू है, डबल टाइप की स्ट्रिंग है, तो अगर न्यूमेरिक स्ट्रिंग है तो इसके लिए एक रैपर क्लास बनाई गई जिसका नाम क्या रखा गया, इंटीजर। अब इंटीजर क्लास के अंदर एक मेथड बनाया गया पार्सेंट, कि आप जो कमांड लाइन से स्ट्रिंग टाइप की न्यूमेरिक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज ले रहे हो उसको इंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ये डबल है तो इसको पार्स डबल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आपकी अकॉर्डिंगली अगर सारी वैल्यू स्ट्रिंग फॉर्म में होंगी तो फिर फर्दर आपको इंट में, फुली बुलियन में, डबल में, जिसमें भी कन्वर्ट करना है वो ईजी हो जाएगा। सारी की सारी वैल्यूज भाई, मैं क्या आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे इंट होता तो कमांड लाइन से केवल किस टाइप की वैल्यू दे पाते, और अगर डबल ओवर देते तो फिर उसमें दिक्कत आ जाती है ना। लेकिन यहाँ पे उन्होंने स्ट्रिंग बना के क्या कर दिया, कहा कि सारी वैल्यू स्ट्रिंग मान लूंगा मैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये न्यूमेरिक स्ट्रिंग हो गया, डबल वाला स्ट्रिंग हो गया, ये करेक्टर स्ट्रिंग हो गया, तीन तरह के स्ट्रिंग हो गए। सारी वैल्यू अगर स्ट्रिंग में होंगी तो फर्दर यूजर अपने हिसाब से उस वैल्यू को देख के चेंज कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। अगर उसको इंट की जरूरत है तो इंटीजर डॉट पार्स इंट कर लेगा, डबल की जरूरत है डबल डॉट पार्स डबल कर लेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे यहाँ पे चाहिए इंटीजर तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा इंटीजर डॉट पार्स इंट, और पार्स इंट में पास कर दिया मैंने क्या एस को, तो ये हमें दे देगा इंटीजर वैल्यू। अब समझ में आया,
इंटीजर वैल्यू दे दिया,